दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, यहां पे देखिए आप उन्हें अगर ये फॉर्म भर के जीविका दीदी के पास जमा कर दिया था तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है कि नहीं हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राशन कार्ड में अगर आपको कोई संशोधन कराना हो या आपको नया राशन कार्ड बनवाना हो तो आप अपने क्षेत्र की जीविका दीदी के पास जाके ही राशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सच YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जब ये कोरोना वायरस का कहर नहीं था उसके पहले आप इस आवेदन फॉर्म को भरकर, ये आपको जो आवेदन फॉर्म दिख रहा है इस आवेदन फॉर्म को आप भरकर RTPS ऑफिस में जमा कर देते थे और आपका राशन कार्ड बन जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आपकी जगह आप इस आवेदन फॉर्म को भरकर आपको जीविका दीदी के पास देना है और आपकी जगह जीविका दीदी RTPS ऑफिस में जाएंगी और उस फॉर्म को जमा करेंगी। जब उस फॉर्म को जमा करेंगी तो आपका आवेदन जब ऑनलाइन अप्लाई होगा तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को भरते समय एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आया होगा, अगर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। ऐसे दोस्तों आप अपने मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब आपने ये फॉर्म भरकर जीविका दीदी को दे दिया है और जीविका दीदी जब उस फॉर्म को वहां पे जमा कर देंगी RTF ऑफिस में, तो वहां पे जब वो जमा करेंगी तो उनको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसी रिसिप्ट को वो लाके अगर आपको दे देती है तो समझिएगा कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, आपका राशन कार्ड ऑनलाइन बन चुका है। दोस्तों ऐसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।